हेलो एवरीबॉडी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीसीडी सब्ट्रैक्शन। देखो, लास्ट वीडियो में हमने बीसीडी एडिशन करा था, अब इसमें बीसीडी सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। तो सपोज एक मैं एग्जाम हम एक पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन होता है उसमें क्या करते हैं। देखो, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में अगर हमारे पास में देखो एक ये फर्स्ट बिट, ये सेकेंड बिट, अगर इन दोनों को आपस में माइनस करना है तो सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा हमारा, देन बोरो हमें करना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं बोरो के लिए, और देन फिर रिजल्ट क्या आएगा, राइट। अब देखो यहाँ से हमारा क्या होता है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में बिट या तो वन होगी या ज़ीरो होगी, ज़ीरो माइनस ज़ीरो, तो आंसर आता है हमारा ज़ीरो। इसमें बोरो भी हम कुछ ज़ीरो मतलब नहीं लेते हैं, बोरो भी कुछ नहीं करना पड़ता और रिजल्ट भी ज़ीरो हो गया। देन ज़ीरो माइनस वन अगर हमें करना है तो ज़ीरो माइनस वन में आएगा, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वन आएगा। बोरो इसमें हमें करना पड़ता है क्योंकि ज़ीरो में से वन माइनस नहीं होगा, तो उसे पीछे से बोरो करना पड़ेगा वन, और फिर रिजल्ट हमारा वन आ जाएगा। देन वन माइनस ज़ीरो अगर हम करते हैं तो भी सब्ट्रैक्शन के बाद वन आएगा, बट बोरो करने की ज़रूरत नहीं है और रिजल्ट भी वन है। देन वन माइनस वन अगर हम करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे को ज़ीरो मिलेगा, इसमें बोरो नहीं करना एंड रिजल्ट भी हमारा ज़ीरो। तो ये तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन के लिए, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, वो हम इसमें करते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाइन माइनस सिक्स करना है बाई यूजिंग बी सी डी सब्ट्रैक्शन। देखो 9 माइनस 6 करेंगे, जैसे कि हमने एडिशन में देखा था ना कि एडिशन में क्या था कि 0 से 9 तक की जब बिट्स आ रही है, अगर रिजल्ट इतने के बीच में आ रहा है 0 से 9 के बीच में, तब तो हम उसमें क्या करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो बी सी डी कोड उसका वैलिड था। अगर जैसे ही हमारा 9 से एक्सीड करता है तो हम क्या करते हैं, उसमें 6 बी सी डी ऐड कर देते हैं। लेकिन जब हमारा हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे कि अगर 0 से 9 के बीच में कोई वैल्यू आ रही है तो वो बी सी डी हमारा वैलिड होगा, लेकिन जैसे ही हमारा 9 से एक्सीड करेगा तो वो इनवैलिड होगा। उसे वैलिड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 बी सी डी को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये इसका एक रूल है एक तरह से, उसको हम अब देखो ये 9 माइनस 6 अगर हम करेंगे तो आंसर क्या आता है हमारे पास में, 3 आता है। अब इसको अगर हमें बी सी डी के थ्रू करना है तो 9 की वैल्यू क्या होती है, 1001, और 6 की वैल्यू 4 बिट में ही लेंगे तो ये 110। अब देखो माइनस करते हैं इसको, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1, अभी पीछे बताया टेबल में तो क्या करना पड़ेगा, हमें बोरो करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से बोरो करते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, पहले यहाँ पर होगा, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 में से एक 1 दे दिया, इसकी वैल्यू 2 होती है, 2 में से 1, तो यहाँ पे 10, इसको भी क्या लिख देंगे हम, 2, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पर अब इसने 1 इसको दे दिया था तो यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 और ये भी 0, तो ये इसका एक तरह से आंसर आ गया। अब ये जो 3 आया, 3 हमारा क्या है, इसके बीच में है, यहाँ पर है, यहाँ पे 0 1 2 3 यहीं पर है, यानी ये वैलिड है, तो हमें कुछ नहीं करना, यही इसका आंसर है। अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं जिसमें कि कुछ उसमें हमारे को माइनस करना पड़े। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक ये ले लेते हैं 5 4 1 माइनस 2 1 6। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग बी सी टी कोड, ठीक है। 5 का कितना होता है 0101, 4 का होता है 0100, 1 का होता है 0001, फिर 2 का होता है 0010, 1 का 0001, 6 का 0110, ठीक है। अब इसको हमारे को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो 1 में से 0 गया, कितना बचा 1। अब यहाँ देखो 0 है, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हमें पीछे से बोरो करना पड़ेगा। अब कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यानी यहाँ पहले जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ और फिर यहाँ, यानी यहाँ पर तो 2 हो जाएगा और बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ जहाँ से हमने लिया है वहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 यानी 2 की 2 माइनस 1
वन तो वन बचा, यहाँ वन था वन में से वन गया तो हमारा ज़ीरो बचा, यहाँ वन बचा था वन में से ज़ीरो गया तो वन आ गया, अब यहाँ भी वन बचा था तो वन में से वन गया ज़ीरो, फिर वन में से ज़ीरो गया तो वन, यहाँ पे ज़ीरो बचा था ज़ीरो में से ज़ीरो ज़ीरो एंड यहाँ भी ज़ीरो। अब इसमें देखते हैं वन माइनस ज़ीरो तो वन, अब यहाँ पे देखो ज़ीरो है तो फिर इसे बोरो करना पड़ जाएगा, तो वन ज़ीरो बना, वन ज़ीरो का डेसिमल कितना हो गया टू, टू में से वन गया वन, यहाँ पर इसने इसको दे दिया है तो ये ज़ीरो बचा तो ज़ीरो में से ज़ीरो और ज़ीरो में से ज़ीरो। अब देखो ये हमारा आया, अब इसमें जो इसकी वैल्यू है देखो ये तो हमारी थ्री है यानी ये वैलिड बी सी डी है, ये ज़ीरो ज़ीरो 10 किसका होगा कोड, ये होगा हमारा 2 का यानी ये भी वैलिड है, लेकिन ये जो है हमारा देखो ये किसकी वैल्यू हो जाती है हमारी, ये हमारी 9 से एक्सीड हो रही है, तो जैसे ही हमारी ये वाली वैल्यू 9 से एक्सीड होगी तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस 0110, ठीक है 0110 इसको माइनस कर देंगे इस सिर्फ इस वैल्यू में से, क्योंकि ये 9 से बड़ा हो रहा है हमारा, तो जैसे ही हमारा 9 से बड़ा होगा तो उसमें माइनस करेंगे, तो ये 1 माइनस 0 तो कितना बचा 1, 1 माइनस 1 0 और यहाँ के लिए क्या करेंगे बोरो करेंगे तो 1 माइनस 2 बना तो इसमें से 1 और फिर ये 0 0 1 0 0 देन 1 1 0 0, तो ये अब इसका फाइनल आंसर आया हमारा, यहाँ से ये इसका आंसर आ गया। अब इसको देखो अब यहाँ से कितना आ गया, ये 3 है और ये कितना है ये 2 है और यहाँ पर ये 3 है ये 2 है और ये कितना है 7 है, यहाँ से अगर हम देखते हैं देखो 11 आ जाता है, यहाँ पे 11 में से 6 गए तो ये बचा हमारे पास में ये कितना था, ये हमारा बच्चा है 11 में से, अच्छा सॉरी ये 5 है, ये 5 है मैंने गलत लिख दिया, ये 5 है तो 11 में से 6 गया 5 और यहाँ पे 3, 3 में से 1 गया तो ये 2 एंड 5 में से 2 गया तो 3, तो बस ये आंसर आ गया हमारा। तो इस तरह से हम बी सी डी सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।